दोस्तों, अब तक का वर्किंग प्रोफेशनल टेन्योर में हमने बहुत सारे लैपटॉप देखे हैं, बहुत सारे लैपटॉप भी खरीदे हैं, ऑफिस के लिए पर्सनली बहुत सारे लैपटॉप खरीदे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वाले ऐसे लैपटॉप होते हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए हमें चूज करना चाहिए, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में और चैनल की तरह सिर्फ मैं स्पेक्स वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, इवन स्पेक्स के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा वाला लैपटॉप बेस्ट होता है अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस से बताऊंगा, मैं इसमें लगभग हर बजट को कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग। अगर आप अपने वीडियो एडिटिंग काम के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो या यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो इस काम के लिए आपको तीन फैक्टर्स मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा कंसिडर करना चाहिए जब भी आपको वीडियो एडिटिंग का लैपटॉप फाइनल करना हो या आप ढूंढ रहे हो। वीडियो एडिटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है CPU। CPU जितना अच्छा होगा उतना आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, यानी कि प्लेबैक का परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर मिलेगा। पहले ये समझ लो कि CPU अच्छा लेना, क्योंकि CPU एक ऐसा कंपोनेंट है जो वीडियो एडिटिंग के काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक चीज, प्लेबैक जब भी आप करते हो तो कितना स्मूथ वो दिखाएगा आपको आउटपुट में, वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि कितना तगड़ा आपका CPU है। जितना पावरफुल आपका CPU होगा उतना ही आपको स्मूथ प्लेबैक देखने को मिलेगा। कौन सा वाला लेना चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड चीज आती है GPU। अब देखो, सवाल यहाँ पे आता है कि GPU का मेन इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग के टाइम पे कहाँ पे होता है, तो GPU भी लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपका ट्रांजिशन के टाइम पे या इफेक्ट जब लगाओगे उस टाइम पे या तो रेंडरिंग जब करोगे उस टाइम पे बहुत काम आता है ये GPU अपना। अब आता है RAM। RAM कितना होना चाहिए, RAM भी आपके बजट के हिसाब से जितना ज़्यादा हो सके उतना लैपटॉप में RAM होना चाहिए। कंसीडर कितना करना है वो हम आगे देखेंगे। और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आता है SSD। ज़्यादातर लैपटॉप में SSD का हार्ड डिस्क आज की तारीख में देखने को मिल जाता है। अगर कोई लैपटॉप आपको बिना SSD ड्राइव के साथ देखने को मिल रहा है तो वो लैपटॉप को अवॉइड करना। अब चलो प्राइजेस की बात करते हैं कि कौन सा वाला लैपटॉप कौन से प्राइस सेगमेंट में हमें लेना चाहिए। अब चलो पहला बजट लेते हैं हम 40 to 50,000। तो इसमें जो पहले नंबर पे लैपटॉप आता है वो है लेनोवो की तरफ से, जो है लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप AMD Ryzen 5 का, जिसमें हमें 15.6 इंच का स्क्रीन मिलता है, फुल HD का 300 nits का डिस्प्ले मिलता है, जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 8GB का रैम है, 512GB का SSD है, विंडोज 11 मिल जाता है, NVIDIA का RTX 2050 जिसमें 4GB का रैम है, जो तकरीबन आ जाता है 43,990 का। अब बताओ इस बजट में और क्या चाहिए आप। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही कॉन्फ़िगरेशन के आसपास वाले लैपटॉप कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ही तकरीबन 60,000, 59,000, 65,000 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप इतने प्राइस में मिल रहे थे। तो आप बताओ ये प्राइस में आपको ये लैपटॉप ठीक लगता है कि नहीं लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपका बजट 45 के आसपास है तो इस बजट में मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट लैपटॉप हो सकता है, आपको अगर ये ब्रांड पसंद आता है तो। एक और चीज़, इसमें अगर बजट थोड़ा सा आप स्ट्रेच आउट कर सकते हो तो एक और लैपटॉप है जो ASUS की तरफ से आता है, जिसका मॉडल नंबर है ASUS TUF F15 गेमिंग लैपटॉप, जो इंटेल की तरफ से आता है। कोर i5 का प्रोसेसर है, 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 15.6 इंच का स्क्रीन है, फुल HD है जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 16GB का रैम है, 512GB का SSD है, 4GB का NVIDIA GeForce का RTX 2050 है, विंडोज 11 है। तो ये सारे चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है और इसका प्राइस जो हमें देखने को मिलता है 50,990 रुपीज़ का। तो मेरे हिसाब से अगर आप बजट थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर सकते हो तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से बेस्ट लगता है। ये लैपटॉप पहले वाले लैपटॉप से ज़्यादा बेटर मुझे इसलिए लगता है, वो स्लाइटली बेटर इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर इंटेल का i5 का प्रोसेसर है और इसमें 11th जनरेशन है, जो पहले वाले लैपटॉप के प्रोसेसर स्लाइटली बेटर है। अब देखिए, चॉइस इसमें हमको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस बजट में आप इस लैपटॉप को खरीद नहीं सकते क्योंकि बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से लेनोवो भी ठीक ठाक लैपटॉप है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि प्राइस इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है डिफरेंस में, क्योंकि 7,000 के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर आप लेनोवो की तरफ जा रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि हो सके तो आप अपने लैपटॉप का रैम इंक्रीज़ कर लेना, ताकि आपको जो परफॉर्मेंस मिले वो और बेटर मिले। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि और भी लैपटॉप इस बजट में मिल जाएंगे, और भी कुछ ऐसे सस्ते लैपटॉप मिल जाएंगे
जो छोटे ब्रांड होते हैं, जो अभी मैंने जो कहा उससे जो छोटे ब्रांड होते हैं, उसमें हमेशा देखा गया है कि सर्विस के मामले में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, यानी कि एक आध दिन अगर डाउन हो जाता है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो दिन डाउन होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपका काम में, तो ठीक है, आप दूसरे ब्रांड की तरफ जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये दो लैपटॉप मेरे हिसाब से बेस्ट लगते हैं, अगर आपका इतना ही बजट है तो। आपको लगता है कि आपके हिसाब से दूसरा कोई ब्रांड है अच्छा, और आपको लगता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन उसमें मिल रही है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बजट जो आता है वो आता है 60-70,000 का, और इस बजट में जो पहला लैपटॉप मुझे लगता है वो है लेनोवो LOQ 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर के साथ, जिसमें हमें i5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें भी हमें फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें हमें 16 GB का रैम देखने को मिलता है, 512 GB का SSD ड्राइव देखने को मिलता है, और इसमें विंडोज 11 देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ हमें RTX का 3050 6GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट लगता है। अब देखो, ये जो लैपटॉप है ना, i5 का प्रोसेसर, लेकिन अगर आपको किसी डील में या तो सेल में अगर आपको ऐसा लैपटॉप मिलता है जिसमें आपको ये वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है और आपको Ryzen 7 के प्रोसेसर के साथ में मिलता है, या तो Intel के i7 के प्रोसेसर के साथ में मिलता है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट डील हो जाएगा। लेकिन 60-70K में थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, थोड़ा सा बजट आपको इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने आपको ये लैपटॉप बताया। तो अगर आप इस बजट में लैपटॉप लेना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से बेस्ट मुझे देखने को मिला, इसीलिए आपके साथ शेयर किया इसको। और इस लैपटॉप का रेट हमें देखने को मिलता है 66,000 के आसपास का। तो आपका बजट अगर 60-70,000 के आसपास का है तो ये वाला लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो। और इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे दिखता है, इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो HX का प्रोसेसर है, जो परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है। तो अगर आप HX वाला प्रोसेसर ये वाला कंसिडर करते हो, 6 GB का रैम लेते हो, इसी में एक और वेरिएंट आता है लेकिन थोड़ा बजट ऊपर है, लगभग 10,000, यानी कि हमने ये अभी जो कंसिडर कर रहे हैं 60-70 कर रहे हैं, और अभी जो ये लैपटॉप बताने वाला हूँ वो तकरीबन 80,000 का है। इसमें क्या खास बात है, इसमें ये है कि i5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 13 जनरेशन का है, 15.6 इंच का स्क्रीन है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, फुल HD का डिस्प्ले है, 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD है, विंडोज 11 है, NVIDIA RTX है, 4050 6GB का है। अब ये लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से इसमें पहले वाले लैपटॉप में और इस वाले लैपटॉप में तकरीबन 10-15,000 रुपए का डिफरेंस है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा जाए तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो इसके पहले वाला लैपटॉप देखो या तो ये वाला लैपटॉप देखो, इस दोनों लैपटॉप में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेंडरिंग में आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, थोड़ा सा जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो आपको प्राइस फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हो क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन उतना है, कैपेबल है उतना पैसा देने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बेटर है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी नहीं है, 13th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये 13th जनरेशन का टेक्नोलॉजी के लिए आप 15,000 दोगे, क्या आपके लिए वर्थ इट है, ये आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो लैपटॉप आता है थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि हमने 60-70 का बजट पकड़ा था, ये लगभग 76,000 या 75,000 के आसपास ये लैपटॉप मिलता है। ये लैपटॉप आसूस की तरफ से आता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। आसूस टफ का F15 मॉडल है, इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर है, जिसमें हमें 12th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है, 16 GB आपका रैम है इसमें, 512 GB का SSD ड्राइव है, NVIDIA का GeForce RTX 3050 है, जो मेरे हिसाब से इस वाले प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट लगता है, जो आता है 76,000 के आसपास का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पकड़ते हैं, जो है 90,000 या एबो, यानी कि 1,00,000 के आसपास का अगर आपका बजट है। तो देखो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो आप विंडोज़ का लैपटॉप ले लो या तो फिर आप एप्पल का लैपटॉप ले लो। आपको दोनों में डिफरेंस एक देखने को मिलेगा कि जब भी हम लैपटॉप विंडोज़ वाला यूज़ करते हैं तो बैटरी की खपत ज़्यादा होती है, हमें बैटरी को चार्जर पे लगा के रखना पड़ता है, यानी कि लैपटॉप को चार्जर पे हमेशा लगा के काम करना पड़ता है। जहाँ पे एप्पल की बात करूँ, यहाँ पे तो एप्पल में इतना चार्जिंग पर रख के काम करने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 घंटे आराम से आपको बिना चार्जिंग पे लगाए हुए मिल जाता है, ऐसा देखा गया है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना कंफर्टेबिलिटी है, विंडोज़ के साथ में कितना कंफर्टेबल हो आप, एप्पल का OS के साथ कितना कंफर्टेबल हो आप, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। अब इसमें एक और जो मेजर डिफरेंस लगता है मैक OS में और विंडोज़ OS में, ये है कि मैक OS में आपको जो भी चीज़ करना है काम, आपको एक एक एप्लीकेशन आपको खरीद के काम करना पड़ेगा। वहीं पे विंडोज़ में देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं जहाँ पे आप
कुछ कुछ वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आप मैक में जाओगे, मैक ओएस को यूज़ करोगे तो आपको उनका एप्लीकेशन खरीद के ही यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें और कोई ऑप्शन देखने को मिलता नहीं है। तो ये आपके लिए एक मेजर कंसिडरेशन पॉइंट हो सकता है कि आपको कौन से वाले लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपने बजट 80,000 के ऊपर पकड़ लिया है तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो लैपटॉप होते हैं मैक ओएस के साथ वाले ज़्यादा रिलायबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा चलने की चांस होती है कंपेयर टू विंडोज़ लैपटॉप। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपका बजट 80,000 या 90,000 के ऊपर कंसीडर कर रहे हो आप, तो कोशिश करो कि अगर आपका काम इधर उधर जाना नहीं है तो आप डेस्कटॉप वगैरह ले लेना, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा उसमें कंपेयर टू लैपटॉप। और डेस्कटॉप में एक और फ़ायदा होता है कि अगर आपका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको रिप्लेस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। लैपटॉप को मान लो मदरबोर्ड ख़राब हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो मदरबोर्ड आपको सर्विस सेंटर वाले ही दे पाएंगे आपको, जिनका ऑथराइज सर्विस सेंटर है। लेकिन ये केस आपको डेस्कटॉप में नहीं मिलेगा। डेस्कटॉप में अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया, शॉप पर जाओगे बोलोगे मदरबोर्ड ख़राब हो गया इसका, वो आपको बदली करके दे देगा और आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। और अगर आपको इधर उधर जाने का काम है, इधर उधर मीटिंग करनी है, लैपटॉप लेके जाना ही ज़रूरी है, तो आपको फिर लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, डेस्कटॉप की तरफ नहीं देखना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ भी नॉलेज मिला आपको, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।